प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ में हम स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके अंत में आ की मात्रा है। ऐसे शब्दों को आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, एक झूला है पेड़ के साथ टंगा हुआ और यहाँ बगल में चार वाक्य लिखे हुए हैं। मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसको पढ़ के इसका अर्थ समझें। ऐसा का, ऐसा मतलब यह। जब स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसके साथ यह के प्रयोग के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका एक वचन ऐसा, द्विवचन एते और बहुवचन ऐसा होता है, एता होता है। फिर स्त्रीलिंग में वह के लिए में ताह शब्द का प्रयोग होता है। अब आप इसको पढ़ें। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। उपवन अर्थात बगीचा। अब देखिए, यहाँ दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका मतलब वह घड़ी और सा मतलब वह। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयं सूचयति, घड़ी समय सूचित करती है। अब देखो, दो छोटी छोटी चिड़िया हैं और उनके बगल में कुछ प्रश्न हैं और उत्तर हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं। तो देखो बच्चों, ये कोयले नहीं हैं, ये काली नहीं है। नौ एते चटके, चटके किं कुरुता। नौ एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके किं कुरुता, गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। अब अगले पृष्ठ में देखिए, दो कार है जिसमें दो महिलाएं कार को चला रही हैं। तो उसमें दिया हुआ है ते के, वे दोनों कौन हैं। तो गाड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा, दोनों ड्राइवर के बारे में। ते चालिके स्तर, ये दोनों महिला चालिकाएं हैं। ते किं कुरुता, वे क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयता, वे वाहन चला रही हैं। एता का, ये सब क्या है। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। तीन थालियां हैं, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम मेताह गोलाकारा, क्या ये गोलाकार की हैं। आम मेताह गोलाकारा एव, हाँ ये गोलाकार की ही हैं। आम मतलब हाँ, एव मतलब ही। अब देखो, बकरियां हैं, दो तीन बकरियां चल रही हैं, तीन चार। ताह का, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियाँ हैं। ताह किं कुर्वन्ती, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ती, वे सब चर रही हैं। ये द्वितीय पाठ है जिसका मैंने पाठ करके और उसकी हिंदी आपको बताई है। आप भी इसको सुन के बार बार पढ़ें और शब्दों का उच्चारण सीखें। इसके बाद अगले वीडियो में हम चैप्टर के शब्दार्थ को देखेंगे। धन्यवाद।